हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MM क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। पोटेंशियल से रिलेटेड, विभव से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं, उसी को आगे सॉल्व करते हैं और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं उनकी। एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पर नोट है, आप उसे रीड करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा है 5 × 10 की घात 8 कूलाम, 5 × 10 की पावर 8 कूलाम एंड −3 × 10 की पावर 8 कूलाम। दो चार्जेस दिए गए हैं, दो आवेश दिए गए हैं। एक 5 × 10 की घात 8 कूलाम का आवेश है और दूसरा −3 × 10 की घात 8 कूलाम का आवेश है। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर स्थित हैं? 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, यानी कि एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। विभव या वैद्युत विभव एक ही बात है। दोनों आवेशों को एक लाइन से हम मिला दें तो उसमें किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपने किया हुआ है। बस उसमें ये कहा था, उसमें आवेश के मान ने दिया था, क्यू और माइनस क्यू कहा था, क्यू और −2 क्यू कहा था, और दूरी भी नहीं दिया था। इसमें दूरी दिया है 16 सेंटीमीटर, उसमें दूरी नहीं दिया था। दूरी की जगह क्या बोला था? डी सेंटीमीटर पे स्थित है, डी सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी डी है। उस क्वेश्चन में क्या मान लिया गया था कि दूरी कितनी है? डी है। इसमें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन ने बताया है हमको कि दोनों आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। और विभव कहाँ पे शून्य होगा ये हमको निकालना है। तो इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी। पहली कि जब दोनों आवेशों के बीच में हम कोई बिंदु लें जिस पे विभव शून्य हो, उसकी दूरी निकाल लें। और दूसरी कंडीशन बनेगी कि जब दोनों आवेशों के बाहर, दोनों आवेशों से दूर कहीं पे विभव शून्य हो, दोनों आवेशों से दूर कहीं पे विभव शून्य हो, उसकी दूरी हम निकालेंगे। यानी कि दो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। एक ही क्वेश्चन लेकिन निकालेंगे दो चीज़ें, जब दोनों आवेशों के बीच में बिंदु हो और जब दोनों आवेशों के दूर बिंदु हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको शायद बात समझ में आ गई होगी, जिसने अगर पिछला न्यूमेरिकल देखा है उसे बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। दो आवेश दिया है, सबसे पहले हम आवेश लिख लेते हैं। आवेश Q1 5 × 10 की घात 8 कूलाम और Q2 दिया है, दूसरा आवेश दिया है −3 × 10 की घात 8 कूलाम। आवेशों के बीच की दूरी, दूरी को हम क्या मानते हैं? R मान लेते हैं। R इक्वल टू दिया है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद बताना है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। मान लो ये Q1 है और इससे 16 सेंटीमीटर दूरी पे Q2 आवेश है। Q1 की वैल्यू ये, Q2 की वैल्यू ये, इनके बीच की दूरी दी है 16 सेंटीमीटर। तो हम मान लें Q1 से x दूरी पे, Q1 से x दूरी पे कोई बिंदु P है और इस P बिंदु पर विभव शून्य है। Q1 से x दूरी पे हमने कोई P बिंदु ले लिया और इस P बिंदु पर विभव कितना है? शून्य है, ये हमने ऑलरेडी मान लिया है। ये x, तो P से Q2 की दूरी कितनी हो जाएगी? पूरी 16 है, इतनी x है, तो ये बची हुई दूरी क्या हो जाएगी? 16 माइनस x, दूरी हमने निकाल ली। अब हम विभव निकालते हैं। हम लिखेंगे Q1 के कारण P पर विभव, Q1 के कारण P बिंदु पर विभव V1 बराबर 1/4 πε₀। Q1 की वैल्यू क्या है? 5 × 10 की पावर 8। अपान R की वैल्यू क्या है? Q1 से P की दूरी कितनी मानी हमने? x। तो ये समीकरण एक बन गया। उसके बाद हम क्या करें? लिखें Q2 के कारण, P बिंदु पर
पी बिंदु पर विभव वी टू बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू टू की वैल्यू रखेंगे माइनस थ्री इंटू टेन की पावर एट अपान सिक्सटीन माइनस एक्स, क्योंकि क्यू टू से पी की दूरी सोलह माइनस एक्स है, समीकरण दो। अब हम कुल विभव निकालेंगे, कुल विभव पी पर कुल विभव वी बराबर वी वन प्लस वी टू, वी वन वी टू की वैल्यू रख दें, वी वन का मान क्या आएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फाइव इंटू टेन की पावर एट अपान एक्स, प्लस वी टू का मान माइनस, ये माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चलिए इसको बाद में कर देंगे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, माइनस थ्री इंटू टेन की पावर एट अपान सिक्सटीन माइनस एक्स, वी वन वी टू का मान रख दिया और वी बराबर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ये माइनस यहाँ उठ के आ जाएगा और ये इधर पूरा माइनस में रहेगा, जीरो इक्वल के इधर आएगा तो काहे में आएगा प्लस में आएगा, यानी एट लीस्ट क्या बन जाएगा, हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट थ्री इंटू टेन की पावर एट अपान सिक्सटीन माइनस एक्स इक्वल वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये दोनों कट गया, टेन की पावर एट, टेन की पावर एट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा थ्री अपान सिक्सटीन माइनस एक्स इक्वल फाइव अपान एक्स, थ्री का इधर मल्टीप्लाई कराओ सिक्सटीन का इधर कराओ तो हो जाएगा थ्री एक्स बराबर सिक्सटीन फाइव जे एट्टी माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव एक्स इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा तो हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन एट, एट एक्स बराबर एट्टी, तो एक्स बराबर एट्टी अपान एट, यानी एक्स का मान आ गया दस सेंटीमीटर, कि वन आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पे जो बिंदु होगा वहाँ पे विभव शून्य होगा, और ये कब है अंदर की ओर है, ये कब है अंदर की ओर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे कि बाहर की ओर विभव शून्य हो, एक बार हमने सॉल्व किया, हम लिखेंगे कि वन आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पे कोई बिंदु अंदर की ओर लेने पर विभव शून्य होगा, अंदर की ओर हमने निकाल लिया। अब ये ज़रूरी नहीं ना कि विभव की जो बिंदु है वो अंदर ही हो, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो बिंदु है वो अंदर ही हो, अंदर होगा तो 10 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, बाहर भी तो हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर के लिए निकालेंगे कि मान लिया Q1 आवेश से बाहर की ओर x दूरी पे हो, उसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। इसके लिए भी हम फिगर बनाएंगे, ये है Q1, यह 16 सेंटीमीटर दूरी पे Q2। अब हम क्या करें, अब हम मान लें Q1 से x दूरी पे, कितनी दूरी पे, x दूरी पर P बिंदु है, Q1 से बाहर की ओर x दूरी पे P बिंदु है और इस P बिंदु पर विभव कितना है जीरो है, तो Q1 से P की दूरी x, अब हम Q2 से P की दूरी निकालेंगे तो कितना आएगा, इतनी दूरी x, ये पूरी दूरी 16, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी 16 प्लस x। Q1 से दूरी निकाल ली, Q2 से दूरी निकाल ली, अब हम V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, सेम आज पहले के जैसे दोनों को जोड़ देंगे, टोटल विभव, टोटल पोटेंशियल, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, और कुल विभव कितना लेंगे जीरो लेंगे। तो हम क्या करें, Q1 के कारण P पर विभव V1 बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 9 पाँच गुणे 10 की घात 8 अपान एक्स, भाई Q1 से P कितनी दूरी पे, x दूरी पे, तो x ही लेंगे, समीकरण एक। अब हम क्या करें, Q2 से, Q2 के कारण P पर विभव V2 बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान 16 प्लस x, वहाँ पे हम लोगों ने 16 माइनस एक्स किया था, यहाँ पे क्या करेंगे 16 प्लस एक्स करेंगे, क्योंकि Q2 से P की दूरी 16 प्लस एक्स होगी। अब हम क्या करें, कुल विभव निकालेंगे, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, और V का मान यहाँ पे हम V1 V2 की वैल्यू रख दें, और V का मान क्या होगा जीरो होगा, तो जीरो बराबर V1 का मान वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पाँच गुणे दस की घात आठ
बटे एक्स प्लस वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तीन माइनस तीन गुणे दस की घात आठ बटे सोलह प्लस एक्स। ये माइनस में है, इधर उठ के काहे में आएगा प्लस में, तो हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तीन गुणे दस की घात आठ बटे सोलह प्लस एक्स बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पाँच गुणे दस की घात आठ अपान सिक्स। वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन की पावर एट टेन की पावर एट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आगे देखते हैं, थ्री अपान सिक्सटीन प्लस एक्स इक्वल फाइव अपान एक्स, एक्स का इधर मल्टीप्लाई फाइव का इधर, तो थ्री एक्स इक्वल टू एट्टी प्लस फाइव एक्स। ये फाइव एक्स इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, तो हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स इक्वल एट्टी, माइनस का टू एक्स इक्वल एट्टी, एक्स इक्वल टू माइनस का एट्टी अपान टू आ जाएगा फोर्टी माइनस चालीस। यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है, माइनस केवल इतना बता रहा है कि विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा में, क्यू वन की दिशा में नहीं, क्यू टू से बाहर की दिशा में, क्यू वन की दिशा में इधर नहीं, क्यू वन से इधर की ओर माइनस में आ रहा है। तो ये बात समझ में आई, माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस से परेशान नहीं होना, माइनस का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में, बिंदु जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में है, यानी Q1 से बाहर की ओर 40 सेंटीमीटर पे विभव शून्य होगा और Q1 से अंदर की ओर कितने सेंटीमीटर पे होगा, अभी आपने सॉल्व किया था, Q1 से अंदर की ओर 10 सेंटीमीटर पे विभव शून्य होगा। तो अब आप इस तरह के सवाल कर लेंगे, विभव शून्य कहे और दूरी निकालना हो तो अब आप निकाल लेंगे, हमको दो दूरी निकालनी होती है, एक दोनों आवेशों के बीच में कब विभव शून्य होगा, तो x मान लेते हैं, करते हैं सॉल्व, उसके बाद दोनों आवेशों से बाहर की ओर कहीं पे बिंदु मान लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, दूरी बदलने से मान भी बदल जाते हैं, भाई दूरी बदलने से विभव के मान में भी तो परिवर्तन होगा, वही फर्क पड़ा है इनमें। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कैलकुलेशन भी सही रखिए, जितना आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे उतना कैलकुलेशन में भी एक्यूरेसी आएगी, सही रहेंगे वो। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।